नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। कोतवाली पुलिस ने किया बड़ा काम, वाहन चोर गिरफ्तार, लाखों रुपए के वाहन व उपकरण बरामद। जनपद मुजफ्फरनगर में शहर कोतवाली में सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि शहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बड़ी सफलता के दौरान मुखबिर की सूचना पर बुढ़ाना मोड़ पर राकेश शर्मा व उनकी टीम के दौरान चेकिंग के दौरान सेंट्रो कार सवार 5 अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान रोका गया, जिस पर पकड़े गए अभियुक्तों के पास गाड़ियों की घिसी हुई चाबियां व गाड़ियों के कागज, आरसी, आधार कार्ड बरामद किए गए। जब पकड़े गए इन अभियुक्तों से सख्ताई से इन फर्जी कागजों व चाबियों के बारे में गहनता से पूछताछ की गई तो पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि हम चारों चोर हैं जो ट्रक, कार व मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। इन चोरियों के वाहनों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर व नंबर प्लेट बदलकर अपने साथी मुकेश जैन के साथ मिलकर इन गाड़ियों के फर्जी कागज तैयार कराकर अन्य जनपदों में गिरोह बनाकर बेचने का कार्य करते हैं। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर सामली बस स्टैंड मार्केट व खाली जगह से एक आयसर कैंटर, 2 सेंट्रो कार, 3 मोटरसाइकिल अपाचे व स्प्लेंडर, 3 नकली आरसी, 3 नकली आधार कार्ड छाया प्रति, 3 अदद नकली सेल लेटर, पुरानी गाड़ियों की घिसी हुई चाबियां, गाड़ियों की फर्जी नंबर प्लेट और साथ ही गाड़ियों के फर्जी कागज तैयार कराने के उपकरण जैसे प्रिंटर, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस आदि बरामद किए गए। यह चोरी के सभी वाहन जिले के विभिन्न स्थानों में चोरी किए गए थे। पकड़े गए अभियुक्त के नाम लुकमान उर्फ लुक्का पुत्र जमशेद उर्फ कल्लू निवासी भनवाड़ा थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर, शानू उर्फ शान मोहम्मद पुत्र अली शेर निवासी भनवाड़ा थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर, सरफराज उर्फ पाजी पुत्र तौशीफ निवासी नाहरी थाना सरदना जिला मेरठ, मुकेश जैन जनेश्वर दास निवासी कृष्णापुरी थाना शहर कोतवाली जिला मुजफ्फरनगर, गुफरान पुत्र फुरकान निवासी दीन मोहम्मद सुजुड़ू थाना शहर कोतवाली जिला मुजफ्फरनगर है। इन अभियुक्तों में लुकमान उर्फ लुक्का थाना रतनपुरी का हिस्ट्री सीटर बदमाश है, जिसके विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों व दिल्ली एनसीआर में करीब 2 दर्जन लूट व वाहन चोरी अभियोग के पंजीकृत हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। इन अभियुक्तों के पकड़े जाने से वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। विशाल प्रजापति व पवन कुमार की रिपोर्ट मुजफ्फरनगर से। खुलासा क्या पूरा मामला सर? ये कोतवाली पुलिस को एक वाहन चोरी के गैंग की एक सूचना मिली थी कि एक वाहन चोरों का गैंग है और जो लगातार घटनाएं कर रहा है और आज फिर घटनाएं करने के लिए शहर में आए हैं, तो उसी सूचना पे कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी की और घेराबंदी करके एक गाड़ी जो सेंट्रो गाड़ी थी उसको पकड़ा, जिसमें कई लोग सवार थे। और जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ आपत्तिजनक सामान मिले, जैसे कुछ चाबियाँ थी मास्टर की, कुछ आरसी थी, आधार कार्ड थे, जो प्रपत्र थे उन्हीं के बारे में जब उनसे पूछताछ की गई तो उसमें खुलासा हुआ कि वो लोग उन्होंने एक चोरी का गैंग बना रखा है, जो चोर हैं, चोरी का जो गाड़ियां हैं चोरी की, उन गाड़ियों को चुराते हैं और चुराने के बाद एक व्यक्ति ऐसा है जो इनके लिए फर्जी आरसी तैयार करता है, वो फर्जी आरसी उस गाड़ी पे लगा के उसी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर उसमें ऐड करके और वो गाड़ियां लोगों को बेच देते हैं। उसी से संबंधित 2 सेंट्रो गाड़ियां बरामद हुई, 1 आइसर कैंटर बरामद हुआ है, 3 बाइकें बरामद हुई हैं और जो मुकेश जैन नाम के व्यक्ति जो फर्जी आरसी तैयार करते हैं उनके पास से सारा जो उपकरण है, जो स्कैनर है और जो भी बनाने के सामान है वो सारा बरामद हुआ है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अन्य सामान भी, जो चाबियाँ हैं, आधार कार्ड हैं, कई अलग अलग नंबरों की आरसी हैं, नंबर प्लेट्स हैं, वो सब बरामद हुए। सर किस तरह से चुराते थे वाहन सर ये वाहनों को? जैसे मास्टर की है, जो पुराने वाहन हैं उनके लोग थोड़ा सा घिस जाते हैं और ये मास्टर की रखते थे, उसी से वो उसको ये ऑन करते थे और गाड़ियाँ चुराने के बाद उस पर दूसरे कागज़ लगा के अन्य व्यक्तियों को बेच देते। अभी जो इनके मुताबिक इन्होंने बताया 1500, 1600, 1700 जो जैसा जिससे इनकी बात बन जाती थी उसी के अकॉर्डिंग उसे गाड़ियों की पहचान हुई है जो पकड़ी गई है? हाँ, गाड़ियों की पहचान हुई है, अभी जो 2 गाड़ियां हैं उनकी पहचान हुई है, बाकी जो बाइक है उसकी भी पहचान हुई है। एक तो गाड़ी शायद कहीं हरियाणा से चुराई हुई है,
बाकी जो अन्य गाड़ियां हैं और जितने भी वाहन हैं सभी की हम लोग पहचान करा रहे हैं। सर इनका कोई आपराधिक इतिहास पहले भी था? एक व्यक्ति जो इनमें है लुकमान, वो हिस्ट्री सीटर है, उसका आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा, करीब 27-28 उस पर मुकदमे हैं। बहुत बार वो जेल जा चुका है और वो रतनपुरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसमें लुकमान, शानूर, शान मोहम्मद, सरफराज, मुकेश जैन और एक व्यक्ति गुफरान, ये पांच किसी और गैंग से भी इनका अटैचमेंट है। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी और जगह से भी इनका लिंकअप हो या कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें हो सकते हैं कि इनसे जुड़े हुए हों। वाहनों सर किस तरह बेच रहे थे वाहन? वाहनों पे फर्जी RC लगा के, और वो जो सिंपल सीधे साधे लोग हैं उनको बताते कि पुरानी हो गई है मेरी गाड़ी और उसको बेच रहे थे। उनको पता ही नहीं होता था कि इस पे गाड़ी चोरी की है और RC फर्जी है। टोटल कितने लोग पकड़े गए सर? टोटल 5 लोग गिरफ्तार किए गए।